आपसे विमुख होना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा कुछ और कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है, जिस कार्यक्रम में मेरा जाना जल्दी जरूरी है, इसलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामना के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके मन में जितनी भी उत्कंठा तारापुर के लिए है उससे कम जज्बा मेरे अंदर नहीं है, और जल्द ही ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार के पास इसे प्रेषित करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी लालसा पूरी हो। धन्यवाद। जिसको लेकर के हम लोग मुंगेर आए हैं कि तारापुर में जो बलिदान हुआ था, उन शहीदों के बलिदान का गवाह जो साक्षी है तारापुर का पुराना थाना भवन, वो आज जर्जर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसे संरक्षित कर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। साथ ही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तारापुर थाना के आगे नाम के आगे ऐतिहासिक शब्द जोड़ा जाए, और इस दोनों की मांग हमने स्थानीय प्रशासन से लेकर के केंद्र और राज्य के सरकारों को चिट्ठी के माध्यम से लिखा है कि उनके सम्मान की लड़ाई को लेकर के हम लोग मुंगेर आए हैं, और अपनी मांग के संदर्भ में हम लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लगातार पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ हाथ में नहीं आया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले दिनों में तारापुर और पूरे अंग क्षेत्र के युवा पटना से लेकर के दिल्ली तक कूच करेंगे और शहीदों के सम्मान और हक की लड़ाई के लिए तारापुर थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो और थाना भवन के नाम के आगे ऐतिहासिक शब्द जोड़ा जाए। इन दो मांगों के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे। किस बैनर तले? हम लोग युवा संगठन युवा ट्रस्ट के बैनर से देश भर में काम कर रहे हैं शहीदों के लिए, और अभी तिलका मांझी, शहीद महेंद्र गोप, ऐसे जो भी उपेक्षित समाज में महानायक हैं उनके लिए युवा ट्रस्ट के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जयराम विप्लव, अध्यक्ष युवा ट्रस्ट।